सुशांत सिंह राजपूत की करीबी रिया चक्रवर्ती ने अब अपना व्हाट्सएप डीपी बदल दिया है। जी हां, दरअसल सुशांत के निधन के बाद उनसे जुड़े सभी लोग काफी चर्चा में हैं। यहां तक कि कई लोगों ने उस दिन के बाद से सोशल मीडिया पर कुछ नहीं लिखा है। अब जो है रिया ने अपने डीपी को बदल दिया है और एक नई तस्वीर लगाई है। कौन है इस तस्वीर में उनके साथ और कौन सी है ये तस्वीर, मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो रिया जो है सुशांत को लेकर उनकी 9 घंटे तक लगभग पूछताछ चली थी मुंबई पुलिस स्टेशन में, और उसके बाद वो शिवानी दांडेकर के साथ फरहान अख्तर के घर भी गई थी। वो उनकी पहली पब्लिक अपीयरेंस थी सुशांत के निधन के बाद। अब जो है आज सुबह खबर आई कि करण जौहर ने एक अपना अलग से पर्सनल अकाउंट शुरू किया है जिसको अनन्या पांडे, सुहाना ये सभी फॉलो करते हैं। वहीं रिया को लेकर जो है सारी की सारी मीडिया जो है उन पर नजर बनाए हुए हैं। हर कोई ये जानना चाहता है कि रिया जो है सुशांत के बारे में क्या जानती थी। अब उन्होंने अपनी व्हाट्सएप तस्वीर को बदला है, अगर मैं कहूँ तो उन्होंने जो अपना डीपी है उसे चेंज किया है, और इस नए डीपी में उन्होंने एक खास तस्वीर लगाई है। मैं आपको वो तस्वीर दिखाती हूँ। दरअसल सुशांत और रिया दोनों ने ही कभी भी अपने रिश्तों को कंफर्म नहीं किया, लेकिन ये हर कोई जानता है कि दोनों काफी करीब थे। ये है उनकी नई व्हाट्सएप डीपी जिसमें वो सुशांत के साथ दिख रही हैं, वो कैमरे में देख रही हैं और सुशांत आंखें बंद करके। तो इस तस्वीर को उन्होंने अपने व्हाट्सएप पे लगाया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब सुशांत के निधन को एक महीना पूरा होने वाला है। बहुत सारे उनसे जुड़े लोग ऐसे हैं जो एक महीने से सोशल मीडिया से काफी दूरी बनाए हुए हैं, जिसमें से अंकिता भी एक है, और रिया ने भी 14 तारीख के बाद कोई भी पोस्ट नहीं डाला है। लेकिन फिलहाल उन्होंने ये जो तस्वीर है जो अपने व्हाट्सएप पर चेंज की है और सुशांत के साथ अपनी इस तस्वीर को लगाया है।